हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंडिया के एक फेमस टेलीविजन शो दिल दोस्ती डांस के बारे में बताते हैं। दिल दोस्ती डांस की शुरुआत 11 अप्रैल 2011 में हुई थी। यह इंडियन टेलीविजन पर फर्स्ट डांस शो है जो सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो है। यह शो 4 साल और 857 एपिसोडों में है। इसको पालकी मल्होत्रा और अमित देवदिग्गा ने डायरेक्ट किया है। यह सेंट लुइस कॉलेज के छात्रों की दोस्ती, प्यार और डांस की यात्रा पर केंद्रित है। तो चलिए आते हैं शो की स्टोरी पर। क्रिया सेंट लुइस कॉलेज में पढ़ने आती है। क्रिया को पता चलता है कि कॉलेज में एक डांस ग्रुप है जिसका नाम डेजर्ट है। कॉलेज के पहले कुछ दिनों में रे को छोड़कर क्रिया को डेजर्ट द्वारा धमकाया जाता है। ऑडियंस के दौरान उसकी मुलाकात स्वयं से खावत से होती है। स्वयं को सेरोन पर बहुत अधिक क्रश है, लेकिन वह उसका अपमान करती है क्योंकि वह कमजोर है। इससे क्रोधित होकर क्रिया और दूसरे लोगों ने बीगलिंग नामक एक दूसरा डांस ग्रुप बनाया जो डेजर्ट को चुनौती देता है। डेजर्ट में रे, सरोन, विक्की, नील, सिम्मी और रिन्नी शामिल हैं और बीगलिंग में क्रिया स्वयं, नेहा, भारत, अमर और विशाल शामिल हैं। सरोन कमजोर लोगों, विशेषकर क्रिया से घृणा करती है और रे के साथ उसकी बढ़ती दोस्ती से परेशान है। रोज डे के दौरान वह दोनों के बीच एक बड़ी गलतफहमी पैदा करती है जिसके कारण क्रिया रे को थप्पड़ मार देती है। घटना के बाद रे क्रिया से नफरत करने लगता है और भी एक दूसरे का मनोबल गिराने के लिए शरारतें करते हैं। रोज डे पर रे और सरोन को एक साथ नृत्य करते देख क्रिया असहज हो जाती है, जबकि स्वयं धोखा देता है और क्रिया को रोज क्वीन बना देता है। इसकी भरपाई के लिए वह एक गुप्त प्रशंसक के रूप में सरोन को उपहार भेजता है। सरोन अपने प्रशंसक से उपहार देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी पहचान जानना चाहती है। प्रोफेसर करण मलिक सेंट लुइस कॉलेज में प्रवेश करते हैं और विभिन्न कार्य और गतिविधियों के माध्यम से दोनों समूहों के बीच शांति बनाने की कोशिश करते हैं और उनके ज़्यादातर कार्य सफल रहते हैं। इस कार्य के दौरान सरोन स्वयं को और भी अधिक नापसंद करती है जब वह कबूल करती है कि सरोन वास्तविक रोज क्वीन थी, लेकिन उसने धोखा दिया और इसके बजाय क्रिया को रे जीत लिया। रे और क्रिया एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन रे और सरोन की दोस्ती में एक महत्वपूर्ण दरार पैदा हो जाती है जब वह कबूल करती है कि उसने रे और क्रिया के बीच गलतफहमियां पैदा की। इस शो की कहानी ऐसे ही आगे चलती रहती है और इस शो की कहानी छात्रों की दोस्ती, प्यार और डांस की यात्रा पर केंद्रित है और इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस ने इस शो के एपिसोडों को खूब देखना पसंद किया है। लोग आज भी इसके शो को YouTube, Facebook और Instagram में देखना पसंद करते हैं। अगर आप लोग इस शो के एपिसोडों को देखना चाहते हैं तो आप YouTube और VTV पर इसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें।